बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटिव। तो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, कल आपका पेपर है बायोलॉजी का, ठीक है। तो मैं आपके साथ ऑब्जेक्टिव के पास पेपर शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, और इस तरह के जो है वो आपको जो है वो पता होना चाहिए पास पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पेपर में आते रहे। तो ये है पेपर हमारा 2023 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये MCQs है। तो क्वेश्चन नंबर वन है कि जानदारों की बाकियात क्या कहलाती है, रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड। तो यहाँ पर देखें कोरल्स, फॉसिल्स, उसके बाद कोरल रीफ, उसके बाद जो है वो एंडेंजर्ड। अब पौधे का रिप्रोडक्शन ऑर्गन क्या है, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट इज, रूट है, स्टम है, फ्लावर है या लीव्स है। द इटालियन वर्ड माला मीन्स बैड, गुड, एयर, वाटर। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील्स विद क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक, जेनेटिक्स या इकोलॉजी। अब सेल वॉल इज एब्सेंट इन प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया या एनिमल। दूस प्लास्टिज विच आर कलरलेस कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या लिपिड्स। द डिवीजन ऑफ साइटोप्लास्ट इज कॉल्ड, जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाले ऑप्शन हैं, ये तमाम जो चार ऑप्शन हैं। विद द रिवर्सल ऑफ प्रोफेज इज मेटाफेज, एनाफेज या इंटरफेज या टेलोफेज। अब उसके बाद नेक्स्ट है जी केमिकल, केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम इज, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलुलोज, ग्लूकोज, लिपिड्स या प्रोटीन्स। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन, यहाँ पर ये देखें ये चार ऑप्शंस हैं। विच मिनरल इज यूज फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, कौन सा मिनरल खून को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है, ये है। उसके बाद बालगों में खून के सुर्ख खुलिया पैदा होने का मकाम है क्या है, पसलियाँ, तिल्ली, जिगर या फेफड़े। तो ये था पेपर हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। अब नेक्स्ट एक ऑब्जेक्टिव का पेपर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट वन फर्स्ट ए ऑब्जेक्टिव है, ग्रुप वन का पेपर है। अब उसके बाद द ऑथर ऑफ अल कानून फिल तब के मुसनफ का नाम जो है बताना है आपने। फिर इसमें देखें जाबिन हयान है, अली इब्न ईसा है, अब्दुल मालिक है, उसका भूली सीना है। फिर डिडक्शन अक्स की जाती है तजर्बात से, हाइपोथेसिस से, थ्योरी से या कानून से। पाकिस्तान में कौन सी जो है वो स्पेशीज जो है वो पैदा होती हैं, ठीक है। उसके बाद वेल है, वेक्स है, उसके बाद मार्कोर है, उसके बाद स्वैपडीट है। उसके बाद जो है वो माइक्रो फिलामेंट्स किस चीज़ के बने होते हैं, ठीक है, ये देखें ये ऑप्शंस हैं। फिर ग्राउंड टिश्यूज जो है वो किस चीज़ के बने होते हैं, तो यहाँ पर उसके ऑप्शंस हैं। फिर सेल की तकसीम की कौन सी गलती की वजह से ट्यूमर बनते हैं, तो ये उसके ऑप्शंस हैं। फिर एक्सीडेंट के नतीजे में सेल्स और टिश्यूज की मौत कहलाती है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो एंजाइम्स एमालाइज इज यूज्ड इन, तो ये ऑप्शंस हैं उसके। अब लाइट रिएक्शन की मुकम्मल सीरीज कहलाती है, तो ये वाला क्वेश्चन है। फिर बीमारियों की माँ कहलाती है, ठीक है। अब उसके बाद खून को दिल की तरफ लाने वाली नालियाँ कहलाती हैं। इंसुलिन की तैयारी के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होता है, वायरस होता है, फंजाई है, अलजाए है या बैक्टीरिया है। अब नेक्स्ट पेपर जो है वो हमारे पास है, नेक्स्ट पेपर हमारे पास कौन सा है जी, ग्रुप टू है और 2022 का पेपर है। तो इसमें देख सकते हैं कि जानवरों के साइंसी मुताले को कहते हैं बायोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी। अब उसके बाद जो है वो द एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है, यहाँ पर आप देखते हैं यूग्लेना है, अमीबा है, उसके बाद जो पैरामीशियम है या वोल्वेक्स है। उसके बाद एक बार आवर यानी प्रोडक्टिव थ्योरी पेश करती रहती है, ठीक है, हाइपोथेसिस है, मुशाहिदात है, डिडक्शन है या लॉ है। पाकिस्तान का कौमी जानवर क्या है, आपको पता है वो मारखोर है, नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज मारखोर। अब उसके बाद माइक्रो फिलामेंट्स प्रोटीन के बने होते हैं, तो ये ऑप्शंस हैं। फिर उसके बाद जो है वो द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म्स इनफोल्डिंग्स आर कॉल्ड, ठीक है, इनफोल्डिंग्स आर कॉल्ड, ये है, यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। फिर उसके बाद एट विच फेस ऑफ माइटोसिस सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है या टेलोफेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है। उसके बाद जो है वो लॉन्गेस्ट फेस ऑफ मियोसिस इज कॉल्ड, तो ये उसके ऑप्शंस हैं। फिर स्टार्क ब्रोकन डाउन बाय एंजाइम इज कॉल्ड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑप्शंस हैं। सूरज की रोशनी में फोटोसिंथेसिस के दौरान बनने वाला एक वाई प्रोडक्ट है, तो ये उसके जो है बताइएगा कौन सा ऑप्शन है। इसके बाद 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स कंटेन एनर्जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पौधों में स्टोमेटा इस टेम्परेचर में बंद हो जाते हैं, तो ये उसका जो है वो क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट पेपर है ग्रुप वन का 2022 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पौधों में तंजीम का कौन सा लेवल जो है वो कम वाजह होता है, तो ये क्वेश्चन है। एक जैसे सेल जो ग्रोथ की शक्ल में तरतीब पाए होते हैं और एक ही काम करते हैं डैश कहलाते हैं, तो ये ऑप्शन है। फिर बायोलॉजिकल मेथड का सबसे अहम कदम कौन सा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑप्शन है। उसके बाद द सिस्टम ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस बाय, तो किसने जो है इंट्रोड्यूस किया, आपने उसका नाम बताना है। अब सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन के मराकज क्या हैं, प्लास्टिड्स हैं, उसके बाद जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है,
उसके बाद राइबोसोम्स हैं। अब उसके बाद पौधों की सेल वॉल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला केमिकल कौन सा है, तो ये उसके ऑप्शंस हैं। फिर सेल साइकिल के किस मरहले में सेल एंजाइम्स तैयार कर रहा होता है, तो ये ऑप्शन है। फिर उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आ रहे हैं, मियोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया। उसके बाद टू विच कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंजाइम्स बिलोंग, तो ये किससे बिलोंग करते हैं। फिर एटीपी के कौन से बॉन्ड से एनर्जी हासिल होती है, तो फ्रॉम विच बॉन्ड ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल एनर्जी इज टेकन, तो इसमें देख लीजिएगा। फिर बैक्टीरिया लिविंग इन कॉलन प्रोड्यूस, तो यहाँ पर ये ऑप्शन है। दुनिया भर में अमवाद की बड़ी वजह कौन सी है, तो विच डिजीज इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो कैंसर है, हार्ट अटैक है, एड्स है, या पोलियो है, तो ये पेपर आ जाएगा। अब उसके बाद ग्रुप टू का पेपर है 9th क्लास का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है कि जानदारों के टिश्यूज का माइक्रोस्कोप की मदद से मुताला करना कहलाता है, तो ये ऑप्शन है। फिर हाइपोथेसिस के मंत्र का नतीजा को कहा जाता है, इसके दरअसल में से कौन सा गिजा का अंदाज जानवर के किंगडम में पाया जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर सेलुलर रेस्पिरेशन का कौन सा मरहला साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ये ऑप्शन है। फिर कौन से जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विच स्पिंडल फाइबर्स कनेक्ट विद काइंस जो है वो कनेटोकोर से जुड़ते हैं। अब उसके बाद द टर्म मेटाबॉलिज्म इज ड्राइव फ्रॉम विच वर्ड, तो ये किस जो है वो लैंग्वेज से निकला है। फिर दरअसल में से किस में फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता, उसके ऑप्शन है। फिर दरअसल में से कौन सा मिनरल जो है वो थायराइड के नॉर्मल फेल के लिए जरूरी है, तो ये ऑप्शन है। दरअसल में से कौन से एंजाइम्स जो है वो यहाँ पे सलाइवा में पाया जाता है, ठीक है। अब सेल साइकिल के किस मरहले में जो है वो हर क्रोमोसोम में सर्टिफिकेट हो जाता है, ठीक, डुप्लीकेट हो जाता है, ठीक है। अब के दरअसल में से जो है वो यहाँ पर आप देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ जो है वो बेसोफिलस, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर आप देखते हैं फिर हमारी बाती के कितने लोग जो है वो डायबिटिक हैं, कि मतलब शुगर के मरीज हैं, ये ऑप्शन है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा पेपर है 2021 का ग्रुप वन का। अब उसके बाद देखेंगे माइक्रो जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो उसकी मिसाल क्या है, उसे देख लें। उसके बाद द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम आर कॉल्ड, वो क्या है, एक फैमिली ग्रुप है करीबी, तो उसको जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है द स्टैक ऑफ जो है वो थायरोक्लॉइड्स के जो है वो ढेर को क्या कहते हैं, उसका ऑप्शन है। उसके बाद द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड, वो देख लीजिएगा। फिर द फेस इन विच क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स अलोंग द इक्वेटर ऑफ सेल इज कॉल्ड, तो ये ऑप्शन है। अब उसके बाद द पार्ट ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन कैटालिसिस इज कॉल्ड, तो ये ऑप्शन है। उसके बाद डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन कहाँ पे होते हैं, इसमें 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स कंटेन एनर्जी, तो उसका आंसर है। फिर उसके बाद जब एंजाइम्स प्रेजेंट इन सलाइवा इज इसमें वो पाया जाता है। फिर पौधों की सतह से पानी का बुखारात बनकर निकल जाना कहलाता है, तो ये ऑप्शन है। फिर खून जमाने वाली प्रोटीन है कौन सी है, वो ये ऑप्शन है। अब नेक्स्ट पेपर जो है वो यहाँ पर आप इसे 2000 जो है वो 15 सेशन का है, तो ये तो बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा। बैक्टीरिया को डैश किंगडम में शामिल किया जाता है, ठीक है। पाकिस्तान का कौमी जानवर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आया हुआ है। किसके सेल्स में सेल वाल नहीं होते, ठीक है। पहली माइक्रोस्कोप किसने बनाई, सेल साइकिल के किस मरहले में जो है वो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरली एंजाइम्स आर मेड ऑफ, ठीक है। उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड कनेक्टिंग टू फॉस्फेट्स इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल, कौन सा है। फिर कार्बोहाइड्रेट्स के 1 ग्राम में एनर्जी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है। फिर खून के वापसी बहाव को रोकने के लिए वाल्व जो है वो पाए जाते हैं, तो ये देख लीजिएगा। फिर नॉर्मल बालग इंसान के दिल का वजन कितना होता है। उसके बाद विच ऑर्गेनिज्म हैज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है। फिर विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस, ये देख लीजिएगा। अब ये देखें जी, ये क्वेश्चन थे, मैंने सारे के सारे जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर शेयर किए। इसको एक मरतबा, सिर्फ एक मरतबा आपने देख लेना है कौन कौन से क्वेश्चन हैं, इनके आंसर देख लेने हैं, और फिर आपने कल बताना है कि आपके पेपर में कौन से क्वेश्चंस आए थे। सिर्फ बताना जरूरी है, क्योंकि इससे ये होता है कि हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए और भी वीडियोस बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी, और अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट करें। और ये हमारा जो है वो चैनल है यूट्यूब एजुकेटिव, यहाँ पर आएँ, इसको सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन के ऊपर क्लिक करें। हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ जो है वो तमाम पेपर जो है वो शेयर किए जाएँ, ताकि कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन हो, कुछ आंसर हो, तो तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर की। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो को समझ आ गया होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपके लिए बेस्ट विशेस हैं, रमज़ान आपका अच्छा गुजरे और पेपर आपके इतने अच्छे हों कि आपकी ईद मजे वाली हो जाए। मिलते हैं इंग्लिश के साथ बच्चों के बच्चों, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है आपने, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।